वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिशम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदहं स्वरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवंद्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। भूम भूय भूय साष्टांग अनंत कोटि दंडवत प्रणाम परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण रे आम माने घरे बसी आमर टीभी परदारे सुंदर भाव महाप्रभुंकर दर्शन करुचे एवं विगत अध्याय रे आपण माने कार्तिक महात्म्य द्वादश अध्याय पर्यंत आपण माने आमे माने श्रवण करिचे कार्तिक महात्म्य कथा को परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु महाकार्तिक मास पुण्यमास कार्तिक परी मासटी आउ ना ये होती धर्ममास महाकार्तिक मास द्वादश अध्याय पर्यंत कार्तिक महात्म्य कथा को आम माने श्रवण करथिले बसी नारद देवर्षि नारद पचारुछंती राजा पृथु हे नारद महर्षि मते कुहंतु किपरी भगवान महाविष्णु वृंदावती को मायार पकेले जो प्रभुंकर मायाधीशंकर माया हूँ कौन ना देवता माने मध्य महाप्रभुंकर माया को जानी पारि नाहंती त्रयोदश अध्याय श्रवण करिवा कार्तिक महात्म्य ता पूर्वर आसंतु महाप्रभुंकर नाम टिके संकीर्तन करिकिरी नाम उच्चारण करिकिरी आमे माने कार्तिक महात्म्य त्रयोदश अध्याय ये कथा को श्रवण करिवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। कार्तिक महात्म्य त्रयोदश अध्याय कहुछंती नारद श्रवण करुछंती किए मनुवंशी राजा पृथु कौन कहुछंती नारद विष्णु जलम धरम गत्वा तद्दैत्यपूट भेदनम पाति व्रत्यस्य भंगाय वृंदायाश्च करोन्नितिम् सुन राजन मनुवंशी विष्णु जे शिव पुरुआसी प्रवेश जलंधर पूरे माया रचिले तार ठारे से माया देवे अगोचर सुन कहिबा नृपवर सुजन जनंकर हिते विचार करी पंचभूते जेतेबेले नारद कहुछंति राजा पृथुंकु कौन हला पृथु पचारिले प्रभु तापरे देवर्षि नारदंकु देवर्षि तापरे कौन हला भगवान किपरी
जलंधर पुरर प्रवेश कले किपर माया रचना कले कारण जलंधर सहित भगवान शंकर घोर भीषण युद्ध चली आुद्ध केतबेले जलंधर निहत हो जाऊँ पुणी केतबेले भगवान शंकर परास्त हो जापरी चली भीषण युद्ध चली महाभयंकर युद्ध चली युद्धभूमि पचारुंट पृथु कहते नारद हे राजन जदुवंशी मनुवंशी शुण भगवान विष्णु जोबले शिवपुरु आसी जलंधरपुर प्रवेश करती माया रचना करती भगवान माया जस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचित माया जगत जायते जस्मिन् तिष्ठति चन्ति चन्त समये कल्पानुकल्पं पुनः भगवान माया मा प्रभु निज होती मायाधीश तांकर माया को कहीं जानी पारे ना एपरिक देवदेव महादेव मध्य जी हूं कामारी निजर तृतीय नेत्र अग्निद्वारा कामदेव को भस्म कर दे किंतु भगवान एपरी माया रचना कले मायार जगत मोहित तो देवदेव महादेव मध्य मोहित तो हेले महाप्रभुंकर मोहिनी रूप को देखिकी तेणु महाप्रभुंकर मायार माया को कई पार हो पारिना केत पार हवा तर मायारू तर कृपा हेले जितेबले आम दास होगा माया से आमर दासी हो कारण भगवान दासी हूँ माया माया किए कि तेणु भगवान मायारु के ही वर्ती नहंती भीषण माया जितेबले प्रभु माया रचना करिछंती जलंधर पूरे से माया देवे अगोचर देवता माने मध्य किछि जानी नहंती कौन आगु को हबो कौन घटिबो देवता माने मध्य मन भीतर चिंता करुछंती कौन आगु को घटिबो कौन किपरी घटिबो तेणु वैष्णवी माया रे अच्युत मोहिले वृंदावती चित्त परम सती होउछंती वृंदा आउ गोटे तंकर सतीत्व बल रे ही जलंधर को कही परास्त करी पारु नथले युद्ध चली आशुतोष शशांक शेखर भगवान चंद्रमौली बध करी पारु नहंती से पर्यंत काहाकु जलंधर को काहीकि सतीत्वर प्रभाव सतीत्वर बल रे जणे सती थिले से तंकर सतीत्व बल रे रात्रि करिकि रखिले कहले मोर जदि सतीत्व मु जदि प्रकृत सती साध्वी पतिव्रता नारी हेथिबी काली सकाळ सूर्य उदय हेबे नाही कारण सूर्य उदय हेले तंकर पति देह त्याग करिवे प्राण त्याग करिवे तेणु देखंतु सतीर पराकाष्ठा सतीर निष्ठा आज वृंदावती जितेबले सतीत्व बल रे जलंधर को कही परास्त करि पारु नहंती किंतु भगवान कौन कले माया बल रे वृंदावती चित्त को हरण कले भगवान निज होउछंती मायाधीश से जलंधर राजा राणी स्वामी से नेह मने गुणी पति भाव रे मन देई रात्रे पलंके थिले सोई एमंते निशी अर्धमान निद्रा रे देखाई स्वपन से निज पति जलंधर अंगे तलई जर जर अंगे तैल जर जर वस्त्र विहीने मुक्त केश कंठरे माला रंग पुष्प आरोही महिष बाहन दक्षिण दिग को गमन रात्र समय रे शयन करिछंती वृंदावती कौन स्वप्न देखिले भयंकर स्वप्न देखिले अशुभ स्वप्न देखिले कौन से अशुभ स्वप्न ना वस्त्र विहीन मुक्त केश कंठरे माला रंग पुष्प आरोही महिष वाहन महिषी उपरे बसिकिरी दक्षिण दिग को गमन दक्षिण दिग को यात्रा करुछंती जेतेबेले भगवती सीता अशोक वाटिकार महा जगत जननी बसिछंती आउ राक्षस राक्षसी माने मां को भय देखाउछंती रावण मध्य आसिकिरी तंकर राणी मानन को सहित मां को भय देखैछि जेतेबेले सब राक्षसी माने भय देखैकिरी मां को ठु जाइछंती त्रिजटा नाम राक्षसी एका आसिकी माँ को कौन कौन माँ आप चिंता करूँ हे जगत जननी सीते आप चिंता करूँ माँ माँ कहले कौन हो ना माँ मु गोटे स्वप्न देखी कौन से स्वप्न ना मु स्वप्न देखुची जे रावण गध उपरे बसिकी दक्षिण दिग को यात्रा करुच्ची ये गोटे अशुभ स्वप्न ये स्वप्न जितेबले आसे मृत्यु सन्निकट हेले जितेबले मृत्यु सन्निकट हो जाए से समय ये स्वप्न देखा जाए तेणु यहीपरी भयंकर स्वप्न
किए देखी थे ना महाभारत समय रे। महाभारत समय अर्जुन देखी थे कौन से स्वप्न देखी थे भयंकर स्वप्न शिव आउ शिवा शिव श्रृगाल एवं शब श्रृगाल एवं शब आम जदि देखु शब हूँ बाम पटे देखिले शुभ किंतु डाण पटे देखिले अशुभ श्रृगाल यह ठीक से हीपरी जो अर्जुन कौन स्वप्न देखी थे ना श्रृगाल मुखर अग्नि बाहर शब एक प्रकार भयंकर स्वप्न देखी थे तेणु मृत्यु पूर्वर मृत्यु सन्निकट हेले यपरि भयंकर स्वप्नमान सब देखा जाए तेणु कौन है वृंदावती स्वप्न देखुंट तक्षणे निद्रा भंग उठी बसिला महादेव संभ्रमे मणिला शकुन बहुची दक्षिण पवन उल्लुका पक्षी उड़ी आसी डाकिला गृह परे बसी ये सब विलक्षण देखा जाए माने जो कथा आम प्रतिनित्य देखुन ये सब अशुभ संकेत आमको पूर्वर सूचना दे दिंती वृंदावती कौन देखुंट डाहाण नेत्र करे नृत्य दूर से शुभिला निर्घात वृंदावती डाहाण आखिटा डेउची गोटे कथा कौन अच्छी आमर गोटे कथा हूँ जेतेबेले पुरुष मानकर दक्षिण आखि पुरुष जेहेतु दक्षिण अंग पुरुषंकर दक्षिण डाहाण पट आखि जेतेबेले डेई थाए सेतेबेले आमे ताकु शुभ बोली मानि थाउ आउ नारी मानकर मा मानकर बाम आखि जेतेबेले डेई थाए से समय रे कौन आम गोटे शुभ संकेत जानिबा किछि शुभ हब बाघिटा काई डेउची आज बोथे गोटे कौन भल हब मंगल हब आज गोटे कौन कल्याण हब एई प्रकार आमे कौन गोटे चिंता करि थाउ सेहिपरि पुरुषंकर डाहाण चक्षु एवं नारींकर बाम नेत्र पुरुषंकर दक्ष नेत्र तेणु वृंदावती डाहाण आखि जेतेबेले डेउची कौन ना डाहाण नेत्र करे नृत्य दूर से शुभिला निर्घात उल्लुका पक्षी उड़िया आसी डाकिला गृह परे बसी पुरु बाहारे शिवारावे शब्द शुणी स्वान धावे वृंदावती परम सती महाप्रभु तो हरण कर वृंदाकर सतीत्व को आज वृंदावती सब अशुभ लक्षण देखुंट कौन से लक्षण ना शिवा रावे उल्लुका पक्षी उड़िया आसी तेणु डाकिला गृह पर बसी पुरु बाहर शिवा रावे शिवा कहले श्रृगाल श्रृगाल जितेबले बोबौची से समय से श्रृगाल ध्वनि को शुणिकी श्वान कहले कुकुर मैंने तेणे भुकिकी दौड़ मन भितर गोटे भयर भीति संचार होती वृंदावती एमंते उपद्रव ध्वनि शुणते असुर कामिनी जितेबले ये सब ध्वनि शुणी असुर कामिनी जलंधर पत्नी वृंदावती मन भितर भयर भीति संचार होती बसी रजनी पुहाइला प्रभाते शुभन देखिला मंदिर होइला बाहर देखिला पूर्वे दिन कर उदय काले श्वेत वर्ण मंडल दिशे छिन्न भिन्न पारु से तारा गण दिशे शोभित धारा शून्य खसे दिग दिशंति धूममये ता देखी वृंदावती काए वृंदावती जेतेबेले सकाळ होइची प्रभात होइची अनेक अशुभ लक्षण सब प्रातः काल रु देखा आरंभ कले अशुभ लक्षण रात्र काल संकेत पाई वृंदावती जेतेबेले सकाळ होइची प्रभात होइची रज आउ निद निद निद्रा नहीं आखिरे निद केमिति आसीब जेतेबेले गोटे कौन अशुभ घटिबार थिव आमको पूर्वर संकेत पलै आसे आपण माने मध्य अनुभव करथिबे काहेकि ना बेले बेले आपण अनुभव कौन करथिबे गोटे अमंगल हबार थिव आपण देखिबे मुहर आसिकरी माछी उड़ीबे एपरि नाना प्रकार अमंगल सूचना आमको प्रकृति मध्य देई दियंती जे किछि गोटे हबार जाउछि हबाकू अच्छी घटिबाकू अच्छी तो वृंदावती मध्य से सब लक्षण जितेबाला देखी कौन अनेक प्रकार लक्षण श्रृगाल मान राविले श्वान मान उकिकी एने तेने धाईवाक लगिले पक्षी मान अशुभ पक्षी आसिक बसिले ये सब सूचना दे दिं डाण आखि नेत्र नृत्य कला दक्ष नेत्र डेला वृंदावती यही सब लक्षण जितेबाला देखी वृंदावती आखि को आउ निद आसीनी परम सती वृंदावती कौन है ना जितेबले सकाल प्रभात होर बाहर देखिले कौन ना पूर्वे सूर्य नारायण को देखिले
उदय काले श्वेतवर्ण मंडल दिशे छिन्न भिन्न दिग दिशंती धूमवये ता देखी वृंदावती काये भये कंपई थर हर लोचनु बहे अश्रुधार। वृंदावती देखिले कौन? वृंदावती देखिले अनेक अशुभ लक्षण जिते बड़े देखी देखती भय कर भयरे कौन है ना कांदवा को लगी नयन द्वंद्वर अश्रु विगलित हो वृंदावती परम सती वृंदावती जाकि जिते बड़े पुणी पुणी मिलीला पुरे आसी क्षण मात्र के स्थिरे बसी क्षमा भावरे देई चित्त आकुले तार पंचभूत मनरे करई विचार काल स्वरूपी विश्वेश्वर जीव संघारे जग बले धरणी ध्वंस अंतराले जेणु कालज्ञ नाम तार जीव उपरे जीवेश्वर ताल संगते मोर पहति न जानी कले जे अप्रीति। वृंदावती मन मन चिंता करुछंती जे जे जते बलवान हुंतु ना कहीं संसार रे जते शक्तिशाली हुंतु ना कहीं संसार रे केड़े केड़े रथी केड़े केड़े महारथी आसिकी जाइछंती तेणु कालर कड़ाल गति आगे काल आगे कहार बल ना काल हूँ महाबल से कालंतर काल हूँ महाकाल भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु तेणु तांकर सहित मोर पति अप्रीति करिछंती ये कथा चिंता कले वृंदावती जी होती कालंकर काल महाकाल भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु तांको सहित मोर पति आज कौन करिछंती ना अप्रीति करि देइछंती जेतेबेले ये कथा चिंता करिछंती वृंदावती एका हूँ जिणीबे ताहंकु ये कथा न से मनकु महाप्रभुंक सहित युद्ध रे किए जितिबो जे होछंती अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक भगवान विश्वेश्वर जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु निश्चय होइब आपे नाश ये कथा होई अछि दृश्य केमंते पाई बारता एते विचारी मने चिंता पुणी उठिला धाती कारे प्रवेश होई पुरे पुरे कहीं न रहे तार मन तेजिला आसीन बसन बेसे सारिला नित्य कर्म क्षण क्षण के मति भ्रम। जेतेबेले एपरी किछि गोटे अशुभ घटिबा को थाए मन मध्य आमर देखिबे विचलित हुए मन स्थिर रहिबो नाही अशुभ घटवाक आमर मन के स्थिर रही ना कौन गोटे घटव कहीं गोटे मत भल लगुनि मोर मन अस्थिर हो मन को कहीं पाप छुँची आम सहित घटी थाए। वृंदावती येपुर सेपुर खोजिकी बुलूंज कौन है मत कहीं किसी भल लगुनि मोर पति प्रभुं सहित अप्रीति करेणु नित्यकर्म सारिकी क्षण क्षण के मतिभ्रम एक बसन अच्छी पिंधि लोटाणी छंदे के सबंधी संगते घेनी बिनी सखी पुरु बाहर चंद्रमुखी गो गोष्ठे हेला परवेश तही न देखी सुख लेस बेगे बाहर हेला तहू त्रिपुंड गलु अछि तहू उच्च स्थान रे जाई उठी दिगमानंकु देई दृष्टि पति आगम अनुसरी चित्तन पारे स्थिर करी निश्चय प्रमाद बोली भाली जगत मनु अछि सळी। आज जेतेबेले सखी मानंक सहित वृंदावती जाइकिरि खोजि बुलुछंती एणे तेणे चतुर्दिग खोजुछंती कुआरे गले मोर पति कुआरे गले चारि दिग एपुर सेपुर गगोष्ठे चतु चतुर्दिग चारिपार्श्व आज खोजिकी बुलुंती मोर पतिदेव कुआरे गले जलंधर कुआरे गले कौटी आउ पा ना निश्चय प्रमाद बोली भाली जगत मनु अछि सळी सखी वचन न शुणे विच्छेदे भ्रमेणे तेणे नग्रु बाहर होई सती स्वामी स्वरूप मने चिंती पशिला जाइब न घोरे उठिला पर्वत उपरे आपे आपणा कर्म निंदी दस दिग को चाही कांदी।
आज विलाप करुछंती वृंदावती सखी मानंक सहित जाईकिरी खोजुछंती आज कौटि पाईनाहंती जलंधर को जितेबाला जलंधर को पाईनाहंती निजर कर्म को निंदुछंती आहा मु मो कर्मर फल भोगुची कारण संसार रे केही काहाकु सुख दियंती नाही केही काहाकु दुख दियंती नाही निज कृत कर्म भोग सब भ्राता संसार रे आमे निज कर्मर कलाकर्मर फल ही आमे समस्ते भोग करुचे कारण ये संसार रे आमे कहुता आमको केते दुख देला से विधाता आमको अमुक लोक दुख देला जाहु आमे ताजुग आज सुख रे अछु केही काहाकु सुख दियंती नी कि दुख दियंती नी माध्यम ही पारंती किंतु आमे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता ताउ न कहु कर सुख दुख दाता आज वृंदावती यही कथा मन मन चिंता करुछंती आज सखींकर हाथ को धरी आकुले पर्वत उतरी आई पर्वत उपर चढ़ी जाइले आरोहण करते पर्वत उपर कौटी स्वामी कुआर गले खोजिक बुलुंती सखींकर हाथ को धरिकी पर्वत तलू जिते बड़े ओल्लै बने दुर्बुलई दुखे पड़ी ही विष्णु मायारे बुद्धि हुड़ी स्वामी विच्छेद दुख मने खोजी बुलई बने बने बेनी सजनी छंती मेले एमंत विष्णु माया बले घोर दानव बेनी बेगे मिलिले वृंदावती आगे सिंहर प्राय तांक मुख विकट दंत तीक्ष्ण नख उत्सर्ग कंठ पृष्ठ हनु पर्वत प्राय दिशे तनु मुकुला केश उच्च आखी युवती भय कले देखी असुरे घोर नाद करी करे कंटक वृक्ष धरी पाटी विस्तारी धाई छंती ता देखी भये वृंदावती वृंदावती जितेबाला सखींकर हस्त को धरिकी पर्वतरु अवतरण करिछंती से समय वृंदावती कौन देखुछंती अनेक तो अनुकूल प्रतिकूल दृश्य देखिले वृंदावती अशुभ दृश्य देखिले वृंदावती एवं जेहेतु स्वामींकर विच्छेद स्वामींकर विच्छेद रे गोटे स्त्री की केते कष्ट हुए ताहा स्वामी विच्छेद होता गोटे स्त्री टी ही जाने जितेबाला भगवान बनवास को जाउछंती रामचंद्र माँ सीता कहले हे सीते तुम्हें एठी रुह शाशु शशुर सेवा कर मो पितांकर आज्ञा को मानिक मुझे बनवास जाऊँ ये कथा कही माँ सीता कौन कहले कहले देह बिनु जीय नदी बिनु बारी तेईसी अनाथ पुरुष बिनु नारी कहले प्रभु ताहा ही पारी ना ही ना काही की ना ये शरीर भितरे ये देह भितरे यदि जीवन न थिवो ये देहर मूल्य कौन प्रभु शरीर अच्छी किंतु देहरे जीवन ना ही ये देह को कौन कहिवे शव बोली कहिवे आउ कई देह बोली कहिवे ना ही तेणु नदी बिनु बारी नदी अच्छी किंतु नदी रे जल ना ही जुआरे चाहिबा जुआरे देखिबा केवल शुष्क सुखिला स्थान नदी रे जल नथिले ताकु के नदी बोली कहिवो केही कहिवे ना ही देहरे जीवन नथिले ताकु कई देह बोली कहिवे ना ही ठीक सही परी तेईसी अनाथ पुरुष बिनु नारी माँ सीता कहले हे नाथ सेमिति पुरुष बिनु नारी गोटे नारीर अवस्था पुरुष स्वामी बिना स्त्रीर अवस्था कौन हुए ताहा भगवान रामचंद्र को जगत जननी जानकी महाराणी सीता कहिछंती रामायण रे प्रसंग आसे आज स्वामी विच्छेद रे पतिंकर विच्छेद रे वृंदावती जितेबाला बुलुछंती देखिले आहुरी अनेक कथा देखुछंती वृंदावती कौन देखिले ना बेनी सजनी छंती मेले एमंत विष्णु माया बोले घोर दानव बेनी बेगे मिलिले वृंदावती आगे सिंहर प्राय तंक मुख अनेक दानव मान आसिकी वृंदावती आगे पहुँचिले दानव मान जिते वृंदावती आगे आसिकी पहुँची मिलिले वृंदावती आगे आर मुख हूँ भयंकर मुख विकटाल मुख सिंहर प्राय तांक मुख विकट दंत तीक्ष्ण नख सिंह परिका तांकर विकटाल भयंकर मुख आउ दंत पंक्ति कि भली ना विकट दंत तीक्ष्ण नख तीक्ष्ण धारुआ नख विकट दंत उत्सर्ग कंठ पृष्ठ हनु पर्वत प्राय दिशे तनु विराट काय बृहताकार राक्षस माने
जितेबले वृंदावती पाखे आसिकी पहुंची पाटी विस्तारी धाई छंती ता देखी भय वृंदावती वृंदावती भय करिगले से राक्षस मानू निशिचर मानू दानव मानू देखिकी बेनी सजनी सघेनी संगे पलाई मनर आतंके केते क दूरे करुसी जोग ध्यान रे छंती बसी अपूर्व रूप दिव्य शोभा अनल प्राय ज्योति प्रभा कर्णे कुंडल सिरे जटा पिंधी तंबार का छटा सर्वांगे भस्म विलेपन मौने निश्चल आसन बेनी नयन बुझी बसी मन को ब्रह्मरे निवेशी एमंत जति आगे देखी वृंदा सहित तीनि सखी शरण गले तांक पासे असुरे देखिले प्रत्यक्षे आतंके डाकंती तरुणी मुनि चाहिले ताहा सुनी हस्त उंचाई हूँ हूँ करी असुर पलाइले डरी तेणु जाइकिरी ऋषि पाखे वृंदावती जो दानव मानक असुर मानक देखी भयरे जाइकिरी पहुँचिले केते दूर रे जाइकिरी गोटे ऋषि पाखे पहुँचिले आउ देखिले कौन से ऋषि ध्यानमग्न होकर बसी ब्रह्मंकर ध्यान रे अछंती ब्रह्म जोग रे अछंती नयन को बुझिकिरी तेणु बसिकिरी ध्यान करुछंती तेणु वृंदावती जो आसिकिरी पहुँचिले वृंदावती सहित सखीगण मान अच्छा सखी मान वृंदा सहित अच्छा तेणु शरण तखे ऋषि पाखे शरण गले वृंदावती आसुर मान जो देखी जिते असुर मान वृंदावती की देखिले प्रत्यक्ष ऋषि देखी आतंके डाकंती तरुणी मुनि चाहिले ताहा शुणी जिते वृंदावती त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम बोली डाकी वृंदावती से समय रे कौन है ना असुर माने भयर सब पड़ाई हस्त उंचाई हूँ हूँ कर असुर पड़ाइले डरी डरिकी पलई से असुर स्थान से स्थान रे रही नहांती देखिए आनंदे वृंदा हृदय प्रणाम कला मुनि पादे वृंदावती आनंदित हो गले राक्षस माने जिते भय डराउथले वृंदा को ऋषि जिते नेत्र खोली देती राक्षस माने हूँ हूँ करिकी भयरे से स्थान को परित्याग कर वृंदावती आनंदित हेले आउ प्रणाम करुछंती मुनि पादरे चरण अरविंद जुगल भो मुनि आपण को प्रणाम करुची आपण को प्रणाम करुची कर जुगल सिरे देई बोइला सुनिमा गोसाई तुम्भ प्रसादे आंभे प्राणे रक्षा पाइलु तिनी जणे एबे मु पुछई हेमंत तुम्भे सर्वज्ञ तपोवंत तृतीय काल कथा जानो मोर वचन एबे सुन मो स्वामी नाम जलंधर ईश्वर संगे युद्ध तार संपूर्ण मासे युद्ध कला केही काहाकू न जिणीला जितेबले वृंदावती ऋषि को पचारी आपण तो त्रिकालदर्शी आपण तो सब जानती आगत अनागत भविष्य आपण सब जानती मत टे कहतु मोर पति कथा मोर पति परमेश्वर कथा मत टे कहतु कुआरे गले मोर नाथ देवदेव महादेव सहित युद्ध करुले आुद्ध एक मस पर्यंत से युद्ध चलला आई युद्ध कहीं क्या जेणी नहांती तथापि कौन है जानी हे भो मुनि हे ऋषि मत आप कहतु कौन हो समस्त कथा जिते वृंदावती पचारी आज मुझे देखिली स्वप्न मोर स्वामी कुश कुन तेणु मो मने गुरु चिंता सबू लागई विष पिता हे मुनि मुझे मो स्वामी अशुभ स्वप्न देखी मत आई भल लगुनी अर्ण रुचुना मत सब पिता पर लगुच किसी भल लगुना मत आप कहतु कौन कहतु तेणु मो मनरे गुरु चिंता भारी चिंता मो मनरे मो भयरे मो मन भितर अनेक चिंता भय अनेक संशय रही आपण मोर संदेह को दूर करंतु हे हे मुनि हे ब्रह्मर्षि ए बड़ भाग्य मोर जस पाइबी स्वामीर संदेश मोर स्वामी संदेश पाइबा आसी
आपण मते कुहंतु आपण तो अनागत आगत भविष्य सब जानती आपण त्रिकालदर्शी कौन मते टिके कुहंतु मोर स्वामींकर वार्ता मते टिके कुहंतु एतेबेले वृंदांकर ये वचन को सुनी छमती से मुनि हृदय पद्म चिंता करी छमती कौन कहू छमती मुनि चिंता कले ध्यान रे सब जानी पारिले कौन हेची कौन नाही सब जानिले गोटे दीर्घ निश्वास छाड़िले ऋषि दीर्घ निश्वास छाड़ी छमती आउ चाहिला उत्तर चाहिला उत्तर आकाश उत्तर दिग को जते बेले चाहिं छमती ऋषि एही समय शून्य मार्गे बानर बेनि गोटी बेगे गिरी कंदर प्राय दिसी पवनु बेगे खसी आसी ताहंक करे मृत्यु पिंड छेदन करी गंडी मुंड दुहे अछंती ताहा धरी बेगे भूमि रे अवतरी मुनिंक आगे ताहा थोई से गले अंतर ध्यान होई तेणु देखिले कौन अनेक आश्चर्य कथा देखिले गोटे बानरटी उत्तर दिग को जो मुनि चाहती बानरटी आसी कौन कला ना से शबटी जो थोड़े जाइंट से स्थान रे से मृत शब बेनि खंड वृंदा चिन्हला स्वामी मुंड बानरटी आसिकी गोटे मुंडटे थोड़ी जो जाती मुनि अंतर ध्यान हो गले वृंदावती जहाँ चाहूल जानवापी जहाँ बुझापी जहाँ संदेह था संशय था वृंदावती देखिले चिन्हिले अरे ये तो मोर पति पति पतिदेवंकर मस्तक मोर स्वामी जलंधरंकर ये मस्तक से सुमृत सब बेनिखंड वृंदा चिन्हिला स्वामी मुंड प्रत्यक्ष जलंधरंग दिशु रकते दिशु अच्छी रंग से पूर्वे आवरण काए सर्वसकुन तार देहे वस्त्र सहित अस्त्र धनु बाणे विच्छिन्न हुए तनु भूमि रे पड़ी अच्छी भोली सागर सुत महाबली सागर सुत जलंधरंकर शबकु देखिदेले वृंदावती आहा ये तुम पतिदेवंकर शरीर मस्तक ये कौन हो गला मुझे पूर्वर अशुभ स्वप्न सब देखी थी अशुभ लक्षण सब मत देखा जाऊला ये बास्तव में ता घटला ना कौन विधाता मत वाम होला वृंदावती विचार करमंत देखी वृंदावती स्वामी निधने महासती कांदई धरणी रे पड़ी हृदय बेनिकर ताड़ी पुणी साउटी स्वामी शिर निरीक्षी करे हाहाकार ताबेनी सखी छमती धरी बिकले कांदई सुंदरी स्वामींकर शब पाखरे स्वामींकर शब को देखी वृंदावती हाहाकार करिकरी कांदुछमती अनाथ हो गली कारण पति विहीन रे पुरुष बिना स्त्रीर अवस्था जे कौन हुए ताहा कल्पना मध्य करिबा असंभव तेणु वृंदावती कांदुछमती आज जलंधरंकर सागर सुतंकर शब पाखर निज पति शब को देखिकी कांदुछमती सखी माने धरुछमती आहुरी विकल होकरी समस्त कांदुछमती सुमरी स्वामी गुणमान बोलई धिकम जीवन कारण देखंतु स्वामींकर गुणमान को सब उच्चारण करिकी स्मरण करिकी भो भो होकरी कांदुछमती वृंदावती भोनाथ मोर प्राण नाहा रिपुमर्दन तोर बाहा विधाता बड़े बीर तु ही जिणिलु चतुर्दश मही अल ऐरी बड़ धूम के तु के तोते देले अपमृत्यु एते अवस्था तोर चाह मो प्राण अच्छी किंपा रही तुझे न देखु मोर दुख जीवंते देलु केते सुख से ऋण सुझीबी केमते भोनाथ घेनी जाओ मते आज वृंदावती कांदुछंती वृंदावती कहते आपत एकुटिया कहीं चली गले हे मोर स्वामी आपण मत भी साथ चली जाते आपण मोर मध्य जीवन मु प्राण त्याग करदेवि रखी ना ये प्राण
पतिंकर बिना कहीं के प्राण रखी कापी रखिए प्राण आज जलंधरंकर गुण मान को स्मरण करी जलंधरंकर गुण को चिंतन करी क्रंदन करुचंती हा हा करिकरी वृंदावती निजर परम सती वृंदावती आज कहउचंती भोनाथ घेनी जाओ मते हे जलंधर मोर पति हे नाथ मते आपण घेनी जाओ मते आपण संगे नहीं जामतु तोर जीवन अच्छी जही मो प्राण बेगे पशु तही आपण जोठी अच्छा आपणकर जीवन जोठी अच्छी मोर मध्य प्राण से स्थान को शीघ्राति शीघ्र चली जाऊ मोर शरीर तोर पिंडे दहन हेउ अग्निकुंडे जेतेबेले स्वामींकर आज देहांत हो जाइ स्वामी आज बध हो जाइंट वृंदावती कहते मो सब आपण शव सहित मोर शव एका साथी आज कौन हम ना दाह हो मुंकर शवदाह देखिपारि ना आपण शव सहित मोर मध्य शवदाह हो वृंदावती एक चिंता करता कह बही बेगे बुद्धि तो दिशुना ही आगे तू नाथ राजराजेश्वर तोर बांधव चक्रधर इंद्रादि दश दिग पाले सुर सुर नर मेले ए सर्वे तोर वशवर्ती एबे पाइलु एते शास्ति किंपा अनिति कर्म कलु ईश्वर अपराधी हेलु से शिव नारी महासती तार हरणे कलु मती एणु ता मरण उचित मुझे पालिछि सती व्रत ए धर्म केणे गला मोर देखिली मृत पिंड तोर आज वृंदावती निजर सतीत्व मु तो सतीव्रता पतिव्रता आज वृंदावती चिंता करुछंती जे मोर सतीत्व मोर सतीत्व कुआडे गला ये धर्म कुआडे गला मोर मोर सतीत्व धर्म कुआडे गला तेणु वृंदावती कथा आज चिंता करुछंती आउ कौन कहउछंती ये धर्म केणे गला मोर देखिली मृतपिंड तोर ये धर्म मोर कुआडे गला ये धर्म मोर कुआडे गला जे मु आज तुम मृतपिंड को देखुची ये धर्म को कुआडे गला निजर सतीत्व बड़ निजर धर्म बड़ कुआडे गला कुआडे गला ये कथा चिंता करिकिरी आज क्रंदन करुछंती वृंदावती एणे मु न जाई परते भमुनि कह कि ना मते अन्याय नाही मोर मने विधवा होई भी के सने मु तो अन्याय करनी मोर मन भितर मध्य अन्याय नाही पाप नाही तथापि मु काहे कि विधवा हेवी तेणु मुनि बोलती सुण सती जेबे स्वधर्मे तोर मती तेबे बर्तिव तोर नाहा शुण संशय अछि जाहा जगत ईश्वर पुरुष से जाहा करिछंती नाश ग्रहणे तो पति मुंड काटी ता भृत्य नंदी जे भ्रुकुटी शब चलाई तार हाते से आणे पकाइला एथे प्रत्यक्ष देखु अछि शब के ममते बोली बा जीव तेणु मुनि आज एक कथा कहउछंती जे भगवान शंकरंकर वाहन नंदी आज मुंडटी को आणिकिरी पकेइछंती ये समस्त कथा कहउछंती कारण भगवान शंकरंकर सहित जेतेबेले जलंधरर घोर युद्ध चालिछि 25 दिन पर्यंत युद्ध चालिला भयंकर युद्ध एवं से युद्ध रे भगवान शंकर जलंधर केही काहाकु जिनी पारिले नाही 25 दिन पर्यंत युद्ध जेतेबेले चालिछि भगवान शंकर नृत्य करिवाकु लागिले तांडव नृत्य करुछंती देवदेव महादेव भगवान शंकर जेतेबेले तांडव नृत्य करुछंती महाप्रभु कौन देखिले आज जलंधर परास्त होईछि जलंधरर शव जलंधरर आज जेतेबेले बध जलंधर हि सारिछि बध हि सारिछि जलंधर ए वाक्य शुणी वृंदावती मुनि रे कला से बिनती ताहंक आगे मुंड थोई साष्टांगे प्राये पड़ी सोई पुणी उठिला तो तत्क्षण हस्तरे साउटी तीरण कपाले जोड़ी बेनी कर बोइला सुण मुनिवर तुम्भे प्रत्यक्षे ब्रह्मवेत्ता विष्णु समाने बरदाता मोर भकति तुम्भे घेन स्वामी की दिय जीव दान एमंत कही पुणी पुणी प्रणाम कर ही तरुणी मुनि पाद पद्म आज लोटी जाइंट पाद पद्म प्रणाम करुछंती वृंदावती वृंदावती कहते भो मुनि मोर स्वामी की बंचई दिंतु
मोर पति को आपण जीवंत कर दिंतु प्राणदान दिंतु जीवदान दिंतु जिते ये कथा कहते आज मुनि कौन कहते वृंदावती विनय भाव को देखिकी मुनि आज आखि बंद करदे ध्यानस्थ हो गले तार विनय भाव भाव देखी मुनि बोल बुझी आखि क्षण विष्णु को ध्यान करी जियाई देवी तोर बरी क्षण विष्णु को ध्यान कर जियाई देवी तोर बर आज हे वृंदावती तुम्हें विष्णु को ध्यान कर विष्णु को ध्यान कर भगवान नारायण को ध्यान कर मु तुम पति को बचाई देवी जो बड़े ये कथा कहते आज मुनि वृंदावती को ये कथा कहते से मुनि मृतपिंड तुले तक्षण अंतर्ध्यान हेले कटी किंकिणी नाद शुणी तुरीते चाहिले तरुणी प्रत्यक्ष जलंधर मूर्ति देखी आनंद वृंदावती उत्सुक करि पंचमन दरिद्र जेन्हे कोटि धन तुरंग च्युत फल चाही बाळके जेन्हे दुरुधाई निर्भय कला लिंगन बदने देला चुंब दान पुलके रमावली गात्रे आनंदे अश्रु जल नेत्रे स्नेह बल्लभ मुख चाही बोलई तुम्भे थिल काही तुम्हंकु न देखि मो मन दुग्ध पटल जे सन तेमंत होई पड़ुथिला आज से दुख दूर हेला तेणु जेतेबेले वृंदावती को देखिछंती मुनि जेतेबेले कहिले हे वृंदावती तुम्हें भगवान विष्णु को ध्यान कर विष्णु को ध्यान करवा द्वारा मु तुम पति पति तुम पति को जीवन जीवंत करदेवी प्राणदान देवी तेणु वृंदावती कौन कले ना विष्णु को ध्यान करमंत शुणी तीन सखी बसने नवेश आखि आखि बंद करते बड़े ध्यान कर मुनि मृतपिंड तुले तक्षण अंतर्ध्यान हेले प्राणदान देकर अंतर्ध्यान हो गले से जितेबाला जलंधर आसिकी वृंदावती को पुणी जीवंत होती जलंधर कटी किंकिणी नाद शुणी तुरीते चाहिले तरुणी जितेबाला कटी किंकिणी नाद शुणी वृंदावती आखि खोलिकी तरुणी चाहती जितेबाला प्रत्यक्ष जलंधर मूर्ति देखी आनंद वृंदावती उत्सुक करि पंचमन दरिद्र जेन्हे कोटि धन जमी जलंधर को देखी रही वृंदावती जमी दरिद्र को धन को धन मिलीगले दरिद्र जमी प्रसन्न हो जाए आनंदित हो जाए से हीपरी आज दरिद्र जेन्हे कोटि धन सुरंग अच्युत फल मु जिते बड़े आज प्रसन्न हो जाती वृंदावती जलंधर को देखिकी निजर पति को देखिकी सुरंग च्युत फल चाह बारके जेन्हे दुरुधाई से ही प्रकार वृंदावती सन्निधे देखी निज पति जलंधर को देखिकी आज प्रसन्न हो जाती आनंदित हो जाती प्रेमर सहित आलिंगन कर चुंबन देखते बदन तेणु आनंद आनंदर एते आनंदित होती वृंदावती जे रोमावली मान सब कौन ना पुलकित हो जाऊँ वृंदाकर आनंद आनंद अश्रु ढल ढल होकर अश्रु विगलित हो जाऊँ तो तुम्हको न देखि मो मन दुग्ध पटल जे सन आज कहते जलंधर को हे पति हे स्वामी आपण कुआडे जाइथिले केउठे थिले तेणु आपण को न देखिकी मोर मन भारी व्याकुल होता आपण को जिते बड़े आज मुझे देखी मोर सब दुख दूर हो गला मोर नाथ आपणकर दर्शन मात्रे मोर समस्त दुख दूर हो जाइए तुम्हें जे थिल घर रणी छेदन हो शिव बाणी बानर आणी मृत पिंड मु आगे देला बेनी खंड समस्त कथा वृंदावती कहते आपण जिते बड़े भगवान शंकर सहित युद्ध करुले से युद्ध समय शिवंकर बाण से भगवान शंकर घात आपण आहत होकरी आपण पड़ते आपणकर मृतपिंड को आणिकी गोटे बानर आणिकी बेनी खंड होता मृतपिंड को आणिकी जिते बड़े मो आगे बानर टी आणिकी पकईदेला बानर आणी मृतपिंड मो आगे देला बेनी खंड एठारे थिले एक जति मुतांकु करहीं भक्ति आउ एठि जने सन्यासी बसी थिले समस्त कथा वृंदावती कहुछंती आज काहाकु जलंधर को कहुछंती एठि जने सन्यासी थिले आ से सन्यासी मु जेते बेले समस्त कथा कहिली तेणु से मो पर प्रसन्न होकरी आपण को जीवदान देछंती आउ मोर कामना को सिद्धि करिछंती तेणु से कुआरे गले से कुआरे जाइछंती से तपचारी मु आउ जानी पारु नाही तुम्हें तो पाइल जीवन एक कथा मोर बड़ पुण्य
एबे पुरकु चलो जीवा गहन बने किंपा थिबा वृंदाव चनकर्णे शुणी महापुरुष वाक्य भणी हे प्रिया सुण सावधाने सर्वकुशल तोर पुण्य मरणु जियाइलु मते किपटाम तर देवा तोते एबे तू मोर बल घेन एजे अरण्य रम्य स्थान एठारे रही दिना केते क्रीड़ा करिबा मन सुस्थे सुमर समर श्रम देहु हरी विजे करिबा निज पुरी जेतेबेले कथा आज कहिछंती जाहु तुमर पुण्य बल रे हे वृंदावती मुँ आज जीवदान पाई वृंदावती कहले से जहाँ भी हूँ मोर पति को आज फेरी पाई आपण जीवदान पाई या ठार बड़ कथ कौन हो पारे तेणु जितेबाला चलतु स्वामीनाथ आम पूर को जीवा आमर घर को जीवा ये कथा जो कही जलंधराजी कहते ना ना ये रम्य स्थान रे ये जंगल आम कि दिन बास करवा युद्ध करसी भीषण बाधा शरीर में मोर पीड़ा आम कि दिन ये जंगल बिताइवा एठारे रही दिना के क्रीड़ा करवा मन सुस्थे समर श्रम देहु हरी विजय करवा निज पुरी समर श्रम युद्धर जो श्रम बाधा सी को जितेबले से जीवा आम स्थान स्थान जीवा शुणी आनंद वृंदावती स्वामी स्नेह कला प्रीति बिपिने कपूर रची अति आनंदे दिन बंची एमते गला सड़ मास शरत ऋतु परवेश रिपुजे माया रूप धरी हरिले जलंधर नारी तापाती व्रत्य करिनाश भगवान निजे विष्णु निजे स्वयं नारायण जलंधर रूप को धरी आज माया रूप धरिकी विष्णु जे माया रूप धरी हरिले जलंधर नारी तापाती व्रत्य करिनाश पुणी चिंतिले निज बेश मने विचार कले हरी ए सती होइला दो चारी स्वधर्म पण कला दूर एबे मरिबो जलंधर जलंधर से पर्यंत बध ही नाही ये भगवान विष्णु माया रचना करिछंति जसवात सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगत जायते जस्मिन तिष्ठति चन्ति चन्त समये कल्पानु कल्पं कुनः भगवान माया रचना करी वृंदावती पातिव्रत्य को हरण करवं कारण जलंधर से पर्यंत मरव ना बध ही पार्वना पर्यंत वृंदा सती सतीत्व हरण नई तेणु भगवान निजे विष्णु जे माया रूप धरी हरिले जलंधर नारी स्वधर्म पण कला दूर एवं मरव जलंधर तेणु भगवान ये जितेबले कार्य कर कौन ना देवं कार्य जब हेब आंभय रूप किंपा थी तेणु भगवान विचार करी निज रूप देखते एत विचारण रि वृंदा कोड़े छंती धरी माया मूर्ति उपेक्षिले निज स्वरूप प्रकाशिले मेघ गंभीर वाणी शुणी से जलंधर राजराणी लेउटी चाहिला निरेखी कतिरे विष्णु रूप देखी स्तंभ में बुझिला नयन कंपे आधार घन घन कोलु उठिला धाती करे पुणी चाहिला आउ थरे प्रत्यक्ष विजय देव हरी कोटि कंदर्प रूप धरी देखिला जेतेबेले भगवान देख वृंदा आनी जलंधर मो स्वामी मो पाखरे अछंती किंतु से जलंधर नुहंती भगवान विष्णु माया रूप धारण करिकिरी जलंधर रूप धारण करिकिरी वृंदांकर सतीत्व को हरण करिछंती आ वृंदावती जेतेबेले देखिदेले काहा को देखिदेले मोर स्वामी नुहंती विष्णुंकर विष्णु को देखि दैछंती आखि बंद कर दैछंती कारण परम सती साध्वी सती पतिव्रता वृंदावती संभ्रमे बुझिला नयन कंपे अधर घन घन कोलु उठिला धाती करे पुणी चाहिला आउथरे पुणी आउथरे चाहिले प्रत्यक्ष विजय देव हरि कोटि कंदर्प रूप धरी भगवान स्वयं कोटि कंदर्प दर्प विमर्दक रूप को धारण करी दंडायमान होइछंती वृंदांक आगरे अतसी पृष्ठ वर्ण कांति नील नवीन घन ज्योति कदंब कांचन संकाशे पीत अंबर मध्य देशे आजानु लंबे भुज चारी धनु नाराच गदा धरी भगवानंकर रूप सुंदर भाव भगवान नील नवीन घन ये रूप को धारण करी भगवान प्रकट होती वृंदा आगरे अकदम्ब कांचन संकाशे पीत अंबर मध्य देशे पीतांबर को परिधान करी प्रभु आजानु लंबे भुज चारी चतुर्भुज रूपी नारायण
धनु नारा च गदाधरी अंबुज पुष्प एक करे मणि मुकुट सोहे सिरे। पद्म पुष्प को हाथ रे धरी भगवान शिविर मणिमय मुकुट कर्णरे कुंडल कंठरे कौस्तुभ हार भुजरे कंकण रत्नहार पादरे नुपुर ये शोभा को ये अपूर्व रूप को दर्शन करिसंती वृंदावती आदित्य प्राय तंक प्रभा। सूर्य जमती गोटे सूर्य उदय हेले जी तेज सतेजपरी कोटी सूर्य उदय होती कि आदित्य प्राय तंक प्रभा। भगवान जो दंडायमान होती प्रकट होती वृंदा आगे अपूर्व तेज और अपूर्व रूप को देखिले वृंदावती कपाले चंदन रिंदु निशी गर्भरे जन्हे इंदु कंठे लंबई वनमाल विदवाहुटी भुज मूल अंगुली मानंकरे मुदी नवग्रहंकर ज्योति निंदी एमंत रूप ब्रह्मराशि वृंदा चाह अल्प हसी। अपूर्व रूप देखिले वृंदावती आ वृंदा चाहिए भगवान टी अल्प मधुर मृदुल हास मुग्ध वेश मुरारी टी अल्प हसीदे महाप्रभु आ देखी वृंदा कलाकोप बोला धिक तोर रूप। वृंदावती आज भगवान को देखु भगवान को कहते धिक आपण रूप को प्रभु आपण कौन कले धिक तोहर प्रभुपण आपणकर प्रभुपण को धिके। वृंदावती एक कहते तुझे संसारे जड़ बड़ जन सकल धर्म प्रतिपाड़ तू परा परम दयालु प्रभु आपण परा धर्म स्थापन करिछंती यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जब जब होई धर्म के हानि बाड़ असुर अधम अभिमानी आपण प्रभु ये कौन कले मोर पतिव्रता धर्म को आपण नष्ट करदे महाप्रभु। आज वृंदावती कहते आपणकर प्रभुपण को धिक नारायण हे महाप्रभु सकल धर्म प्रतिपाड़ आपण निजे धर्म को पालन करती वेद प्रणीत धर्म तेणु तो नाम धरी पापी जने संसारु तरंती के सने मो पति बांधव बे भारे एहार जिला रखी घरे तू तो सुहृद फल देलु एड़े अकर्म किंपा कलु मूर्ख जनंकु नहीं दया एबे जानिली तोर माया जेवन बेनी दैत्य बने देखी डरिला भय मने जे ऋषि करूला तप जे बेनी मर्कट स्वरूप जे मृत सब तोर आगे ए सर्वकृत्य तोर जोगे मुस्तिरी अबराजु कते एड़े कपट किंपा मोते। प्रभु मु स्त्री टीए मु नारी टीए अबला नारी आपणकर दया हलानी मो प्रति आपण टे कृपा कले ये सब माया निजे आपण रचना करिछंती ये भयंकर स्वप्न भयंकर सूचना आपण जो पूर्व मत दे ये सब आपणकर माया आउ से जो जति रूप से जी थे सी मध्य आपणकर रचना। प्रभु टिके दया हलानी कपट कले हे माँ कपट कले मणिमा कपटे हरिलु मो तप एबे तू घेन मोर साप। प्रभु आपण कपट करिकिरि मोर तप को मोर सतीत्व को हरण करिछंती मुँ आपण को अभिशाप दौची देखु भक्तर अभिशाप भगवान केमती स्वीकार करती। वृंदावती आज अभिशाप दे नारायण को तोर भारी जा आज कौन कहते वृंदावती मु स्त्री अबला जुगते एड़े कपट किंपा मते आपण मत कपट कले महाप्रभु आपण कपट कले तेणु कपट हरिलु मो कपट हरिलु मो ताप मुझे अभिशाप दौचे हे प्रभु तोर भारी जा नाम सिरी ताकु असुर नेबे हरि मते भंडिलु जेऊ बागे सही प्रकारे तोर आगे असुर देव सिरेबेनी तो नारी कांदु ताहा घेनी तुझे जति बेश धरी मते भंडिलु माया करी। आपण जेमती मते सन्यासी रूप जति बेश धरिकी मते हरण कले मते माया कले मो सहित मुझे आपण को अभिशाप दौची गोटे जुगरे गोटे समय रे प्रभु आपणकर स्त्री को मध्य भारिजा को हरण करे क्यों जुगरे ये रामावतार कथा रामावतार प्रसंग तेणु धर्म पुराण जेबे सत एतते हे परापत मते जे कलु विड़म्बन ए देह हेला कारण तेणु आपण मो सहित कपट करिछंती नाथ मु एहा नर खिबी आऊ
तोरा ऊपरे हत्या हेउ। एमंत बोली वृंदावती को बन्ही की आनिला झटती। वृंदावती भगवान को अभिशाप देकरी इतेबेले भस्म हो जाइछंती। बने जे थिला काष्ठ राशी अनळ से कूढ़े प्रवेशी समिद्ध पाई अग्नि ज्वले प्रचंडा नन विकराले। ता देखी जगत ठाकुर वृंदांकु सम्मार्जंती कर बोलंती नपड़ अनळे तो पति बर्ती छीकु सळे। विपद कथा कुन भाल आम्भे करिबा सबु भल। भगवान जेतेबेले एक कथा कहिछंती हे वृंदावती तुम्हें भस्म हो नाही अग्नि की झास दियो नाही प्राण त्याग कर नाही। तेणु भगवान जेतेबेले एपरि कहिछंती एमंत गोविंद वचने वृंदाता न सुनिला करने वृंदावती सुनि नाहंती। हव्यवाहन परे बसी तक्षणे हेला भस्म राशि देखी से अबला रमती विस्मित होई लक्ष्मीपति अंगेता भस्म राशि बोली चिंतारे न पारिले चढ़ी वृंदांकु मने ध्यान करी जेन्हे अचल महागिरी। भगवान जेतेबेले वृंदांकु देखिछंती वृंदावती भस्म हो जाइछंती से भस्म को निज अंगरे लेपन करिछंती महाप्रभु। वृंदांक चिंतारे महाप्रभु आउ सेठु चालू नाहंती अचल हो जाइछंती जेमती पर्वत परी आ महाप्रभु जाऊनाहंती कुआडे। वृंदांकु मने ध्यान करी जेन्हे अचल महागिरी तेमंत भावे नारायण व्रतरे होइले मौन से प्रभु चरण कमले सुजने चित्त जोग बले तेणे हे वारु प्रभु बस भणई महादेव दास। त्रयोदश अध्याय र कथा आम श्रवण करुले वृंदावती सतीत्व हरण जलंधर बध भगवान किपरि माया रचना करी वृंदावती सतीत्व को हरण करिछंती महाप्रभु ये अपूर्व दिव्य प्रसंग को आम मान श्रवण करुले। श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये वृंदावती हरणे नाम त्रयोदश अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। तेणु भगवान किपरि वृंदावती सतीत्व को हरण कले या पूर्व प्रसंग को आम श्रवण करुले। सतीत्व को सिना हरण कले महाप्रभु वृंदावती तत्क्षण निज शरीर को त्याग कले शरीर को परित्याग कले एवं भस्म हो गले। से भस्म को भगवान निज अंगरे लेपिकिरी वृंदांक चिंतारे कौन भगवान अचल हो गले भगवान एवं वृंदावती देखंतु तुलसी परवर्त समय तुलसी वृक्ष रूप से अवतार नहीं प्रकट होती। तेणु से तुलसी बिना विष्णु पूजा हो पारना बिना तुलसी रे भगवान विष्णु पूजा करा जाई परिबो नाही। तुलसी नथले जते पुष्प थाउ जते जाहा थाउ जो नीति नियम कहते कश्यप कौटी त्रुटि अच्छे देखिए तापर मो काम देखेबी खोजी 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 बर्ष ना इंद्र आसवा करी रही जाए दीदी
खोजुले कौटी त्रुटि रोच कौटी अन्याय करोटी त्रुटि रोच नीति नियम चल दिनकर घटना गोड़ हाथ धोई ना बाधार तले शोपड़ी इंद्र देखिले मौका आसीगला सांगे सांगे गर्भ भितर प्रवेश कले इंद्र क्षुद्र रूप से संतान को सात खंड कर सात खंड जो का सतान को से सतान मरू ना कांदुंट देखु कश्यप ऋषि आशीर्वाद से जो आशीर्वाद कहे सतान निश्चित हम मरवनी तुम जहाँ कह अमर हो किंतु टिके तुम नीति नियम विघ्न हेल्ले इंद्र शत्रु इंद्र मित्र हो कश्यप ऋषि कह सत खंड का सतान गर्भर सतान को तथा मरू ना कांदुंट ये कहते भितर सतान